वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल लाहौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा लाहौर और रेलवे स्टेशन मुमकिन आमद पर इंतजामिया मुतहर्रिक। लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने टूट फूट का शिकार सड़क रातों रात मरम्मत। एलडीए की जानिब से अरसा दराज से टूटी सड़क की मरम्मत का काम जारी। वज़ीर-ए-आज़म से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब में कानून साजी और तरक्याती मनसूबों के हवाले से तबादले ख्याल। गुरबत का खात्मा जिहाद के मुतरादिफ है, ये जिहाद जरूर करेंगे। पंजाब में तारीख का बेहतरीन बलदियाती निज़ाम लाएंगे। गुरबत मुका प्रोग्राम एहसास और कफालत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन का आकाश है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा की मुलाकात। महकमों के अमूर कारकर्दगी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असातिज़ा डट गए, हुकूमत का भी कान धरने से इनकार। प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का चेयरिंग क्रॉस पर धरना चौथे रोज में दाखिल। पख्तूनख्वा की तरस पर असातिज़ा को तरक्की देने का मुतालिबा। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने की धमकी। ससुरालियों के तशद्दुद का शिकार हाजरा बीवी के केस में अहम पेशरफ। लाहौर न्यूज़ ने हाजरा बीवी के मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली। ससुरालियों के तशद्दुद से हाजरा की नाक की हड्डी टूटी और जबड़े को नुकसान पहुंचा। असमा तशद्दुद केस में नया मोड़, आइस नशा मियां बीवी को ले डूबा। नशे में था, तशद्दुद भी किया, बाल भी काटे। शौहर का अदालत में एतराफ़ जुर्म, बीवी पर भी नशा करने का इल्ज़ाम। असमा ने नशे में खुद बाल काटे, मुझे कहा कि सारे बाल काट दो। बाल काटने के बाद भी सुलह सफाई के साथ मेरे साथ रहती रही। किसी के कहने पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। मुलजिम फैसल का पुलिस को बयान, अदालत ने फैसल और साथी मुलजिम को चार रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। शौहर 24 मार्च को अपने दो दोस्तों को घर लाया। दोस्तों के सामने शराब पीने और डांस करने का कहा। मेरे इनकार करने पर शौहर ने मुझे बांधकर पाइप से तशद्दुद किया और तीन मुलाजमीन के साथ मिलकर मेरा सर मोड़ दिया। मुतासरा खातून असमा ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान कलम बंद करवा दिया। बयान की कॉपी लाहौर न्यूज़ पर। सर मुंडवाते ही औले पड़ गए। वज़ीर-ए-आला का शनाख्ती कार्ड लेकर व्हील चेयर देने का फैसला, वापस लेते ही पहला धचका। सर गंगाराम अस्पताल की दो व्हील चेयर्स गायब। वज़ीर-ए-आला का मेयो अस्पताल का हंगामी दौरा, तब्दीली फिर बिना आई। एमएस ड्रग कंट्रोलर की मुअत्तली और सीईओ को वार्निंग भी बेकार साबित। अस्पताल में अब भी डॉक्टर्स दस्तयाब नहीं, मशीनें बदस्तूर खराब। जगह जगह गंदगी के ढेर, के एमरजेंसी में मरीजों को 100% मुफ्त अद्वियात मिलने लगी। व्हील चेयर शनाख्ती कार्ड के बगैर मिल रही हैं, कई सवाल ने सर उठा लिया। नुमाइशी दौरों के बजाय अमली इकदाम की ज़रूरत। दाखिल क्यों करते रहे जो इन्हें कोई बैड नहीं, दवाई नहीं, इन्हें कोई चीज़ नहीं आ, जिन्हें भी इन्होंने है ने सारे छोटे ये बंद कपड़े ला रहे हैं, इन्ना के जलील कर रहे किस्म, जिन्हें भी आए हैं सब बहरों आए हैं बंदे। सर दवाई कुछ तो मिल रही है लेकिन कुछ बाहर से भी मंगवा रहे हैं हमसे। आज रात को भी मुझे पर्ची दी है इन्होंने कि बाहर से मेडिसिन ले के, मेरी पॉकेट में पैसे नहीं थे। कोई दवाई नहीं मिल रही, अगर कोई कहें कि यार हमें दवाई दे दो, वो कहते हैं प्राइवेट चले जाओ, ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, तो फिर आप प्राइवेट में चले जाओ तो फिर हमें यहाँ आने का क्या फ़ायदा। कोई टेस्ट ले जाते हैं वो टेस्ट नहीं देते, लेने चले जाओ तो बात नहीं सुनते। 27 तारीख का पेशेंट एडमिट है, उनको आके कहते हैं कि पेशेंट को ये मसला है, आते नहीं, आ रहे हैं जी देख रहे हैं, कहाँ पे है डॉक्टर। टेस्ट बाहर से करवाते हैं, अद्वियात भी बाहर से मंगवाना पड़ती हैं। एक एक बेड पर दो दो मरीज हैं। बातें करें तो कहा जाता है मरीज प्राइवेट अस्पताल ले जाओ, कई घंटों से खाली पेट हूँ, सिटी स्कैन नहीं किया जा रहा। मरीजों की दुहाई, बोले वज़ीर-ए-आला दौरे ही ना करें, वसाइल भी मुहैया करें, शहरियों का शिकवा।
30 साल से लगा घुन मिलकर साफ कर रहे हैं। हुकूमत का काम अस्पताल इंतजामिया को बजट देना है, सहूलतें मरीजों तक पहुंचाना अस्पताल इंतजामिया का काम है। वज़ीर आला के मेयो अस्पताल के दौरे के दौरान 3 मरीजों ने बाहर से अद्वियात खरीदने की शिकायत की। अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाना फार्मासिस्ट का काम है। तमाम इंतजाम को कंट्रोल करना MS की जिम्मेदारी है। हम बतौर टीम अस्पतालों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की बंद रोड पर मोबाइल हेल्थ यूनिट के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला को बहुत टफ टारगेट मिला है, दुआ है कामयाबी मिले, मसला सब ठीक हो गया ये कहना गलत है। अवामी शिकायत सुनने के लिए लाहौर आया हो, हमें ऐसा वज़ीर आज़म मिला जिसे मुर्गी और कट्टे की भी फिक्र है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगु। DC ऑफिस में वज़ीर आज़म शिकायत सेल के हवाले से इजलास की सदारत, शहरियों से खुद भी मसाइल सुने। पंजाब हुकूमत का नैब अदालत को ठोकर नियाज बेग मुंतकिल करने पर गौर। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इंतजामी और पुलिस अफसरान का अहम इजलास, सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs मुश्तरका खुली कचहरियाँ लगाएं, हुकूमती रेट हर जगह नजर आनी चाहिए। पॉलिसियाँ काफ़ी नहीं, अमल दरामद यकीनी बनाना होगा, दबाव या सिफारिश को खातिर में ना लाएँ, किसी का नाजायज़ काम ना किया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म काशरी मेडिकल सिटी में 2 घंटे तक तिब्बी मुआयना, शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल, ब्लड के सैंपल लिए गए, रिपोर्ट मिलने के बाद लंदन में डॉक्टर लॉरेंस से राबता किया जाएगा, 6 हफ्तों में इलाज मुमकिन है या नहीं फैसला ना हो सका, रिपोर्ट्स की रोशनी और डॉक्टर्स की हिदायत के बाद इलाज शुरू होगा। नवाज शरीफ का अंजाइना का दर्द बढ़ने की वजह से मुकम्मल आराम का मशवरा दिया, मुआलिजीन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सेहत कैफियात और अलामत का जायजा लिया। डॉक्टर्स आज भी शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना करेंगे, मरियम नवाज का ट्वीट। मियां नवाज शरीफ 2001 से दिल के आर्जे में मुबतला हैं, 2001 और 7 में 2 मरतबा एंजियोप्लास्टी हो चुकी, 2011 और 2016 में 2 बार ओपन हार्ट सर्जरी की गई। जेल में 3 माह के दौरान 3 अस्पतालों का रुख कर चुके, अब तक 6 मेडिकल बोर्ड बन चुके, कोई हतमी नतीजा सामने ना आ सका, 5वें बोर्ड ने एंजियोग्राफी का मशवरा दिया था। कायद के बाद लीगी रहनुमा का भी इलाज मुआलजा, अदालत का हनीफ अब्बासी को शेख जैद अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। हाईकोर्ट में हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तली के लिए अपील पर समाअत। हनीफ अब्बासी दिल और गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं, अदालत सजा मुअत्तल करके जमानत मंजूर और रिहा करने का हुक्म दे, लीगी रहनुमा के वकील की इस्तदा। अब कोई वजीर कारकर्दगी के बगैर अपने ओहदे पर नहीं रहेगा, तब्दीली का आगाज हो चुका, शहरियों को जल्द मुस्बत नतायज मिलेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने गरीब आवाम के लिए बड़ा फैसला किया, सूबाई वजीर तलाल शमसाम बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत अलहमरा में पौधा भी लगाया। मौजूदा महंगाई का सबब साबिक हुकूमत की पॉलिसियां हैं, बिजली गैस और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया में इजाफा हुआ, NFC अवार्ड को विफाक के तनाजुर में देख रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना हाशिम जवां बख का फ्लैटीज़ होटल में तकरीब से खिताब। हुकूमत के वादे बस वादे, शहरी साफ पानी को तरस गए, साफ पानी की फराहमी का मामला ताखिर का शिकार, आप पाक अथॉरिटी बिल ऐवान वज़ीर आला की फाइलों की नज़र। बिल पंजाब असम्बली से 14 मार्च को मंजूर किया गया था, ताहाल गवर्नर पंजाब को मंजूरी के लिए नहीं भिजवाया गया, नून लीग की आप पाक अथॉरिटी बिल को अदालत में चैलेंज करने की धमकी। ताला तोड़ ग्रुप की दुकानों के बाद मोटरसाइकिलों पर नजर, शफीकाबाद और ग्रीन टाउन के इलाके में मोटरसाइकिलें चोरी, चोरों ने दुकान के बाहर से साइड लॉक तोड़कर मोटरसाइकिलें चुरा ली। पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ सरगर्म, नवाकोट पुलिस ने कार्रवाई करके मुनशियात फरोश बशारत गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने मुलजिम से 1 किलो 580 ग्राम चरस बरामद करके कार्रवाई का आगाज कर दिया।
शहर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस खुफिया इदारों का समनाबाद और वहदत कॉलोनी में मुश्तरक सर्च ऑपरेशन बायोमेट्रिक जदीद एंड्रॉयड डिवाइसेस की मदद से मशकूक अफराज की चेकिंग की गई। बेनामी अकाउंट्स के मौजू पर लाहौर चैम्बर में सेमिनार, कमिश्नर FBR यास्मीन फातिमा की खसूसी शिरकत, बेनामी अकाउंट्स की हैरत अंगेज तफसीलात सामने आ रही हैं, यास्मीन फातिमा का तकरीर से खिताब। नक्शा मंजूरी के नाम पर LDA अफसरान पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम, मौजा जुलियाना की रिहायशियों का LDA के खिलाफ एहतजाज, मुजाहरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक किए रखी, प्लेस से लेने के बावजूद LDA नक्शा पास नहीं कर रही मुजाहरीन। पुलिस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल को डिप्टी सुपरिटेंडेंट के अहदे पर तरक्की, DIG जेल मलिक मुबशर खान ने तरक्की पाने वाले अफसरान को बैजेस लगाए, तरक्की पाने वाले अफसरान में मोहम्मद अली, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद अरशद, अली रजा, सप्तैन रजा, असद कामरान, काजी मोहम्मद कमर और दीगर शामिल। इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन के ताजरों की सुनी गई, मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू से मुज़ाकरात कामयाब, पेड मोबाइल पर ड्यूटी 1200 रुपये से कम करके 400 रुपये फिक्स कर दी गई, ताजर रहनुमा बाबर महमूद की गुफ्तगू। डिफेंस फेज 6 में होप अपलिफ्ट फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम तकरीब, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शबाना मुफ्ती का ख्वातीन के साथ सेशन, नौजवान नस्ल के मसाइल के हल के लिए बड़ों को अपना किरदार अदा करना होगा, डॉक्टर शबाना मुफ्ती। अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 17वां कॉन्वोकेशन, 317 तलबा को डिग्रियां जबकि 20 तलबा को मेडल से नवाजा गया, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, गोल्ड मेडल्स लेने वाले 3 तलबा के लिए सरवर फाउंडेशन की जानिब से 1,00,000 रुपये इनाम का भी ऐलान, बोले नई नस्ल के हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज है, लोगों की फलाह के लिए काम करना है लीडरों की निशानी है। कोर हेडक्वार्टर लाहौर में तकरीब का अहतमाम, शोहदा की फैमिलीज और गाजियों को अवार्ड से नवाजा गया, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, 23 अफसरान को तमगा इम्तियाज, 48 को तमगा मिलिट्री, 15 सोल्जर्स को तमगा बसालत से नवाजा गया। मारूफ गुलूकार अताउल्ला खान ईसा खेलवी कमर की तकलीफ के बाद निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज, अताउल्ला खान ईसा खेलवी 5 रोज तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहेंगे, गुज़श्ता रोज डिफेंस के अस्पताल में उनके टेस्ट लिए गए थे। गुलूकार आतिफ असलम का एलिया सारा के हमरा SOS विलेज का दौरा, आतिफ असलम और उनकी एलिया ने बच्चों में ताहर तकसीम किए। एमरा क्रिकेट टूर्नामेंट में फीमेल रिपोर्टर्स का भी शानदार मुकाबला, वीमेन ए और वीमेन बी की टीमों के दरमियान चोर पड़ा, गवर्नर पंजाब की अहलिया प्रवीण सरवर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, बेगम प्रवीण सरवर ने शॉट खेलकर मैच का आगाज किया, वीमेन ए टीम फाथे, पब्लिक न्यूज़ की आयशा इकबाल को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया, जबकि लड़कियों को खेलता देख कर खुद भी खेलने का दिल कर रहा है, बेगम प्रवीण सरवर। जिलानी पार्क खुशनुमा फूलों से महक उठा, कुदरत के हसीन रंग देखने हैं तो जिलानी पार्क चलिए, 100 से ज्यादा अकसाम के रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश, ईरानी कौंसलेट रजा नाजरी ने फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया, चेयरमैन PHA यासिर गिलानी और DG फैसल जहूर भी हमरा, ईरानी कौंसलेट को गोल्फ कार पर फूलों की नुमाइश का दौरा करवाया गया, नुमाइश 7 रोज जारी रहेगी। मादुलाल हुसैन के 431वें सालाना उसकी तैयारियां और उस पर दरबार और मलहिका इमारतों की तजीन और आरायश खुशनुमा लाइटिंग से सजा दिया गया, उसकी तकरीबात का आगाज 30 मार्च से होगा, अकीदतमंदों के दरबार पर आमद का सिलसिला जारी, पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर हाजी अजीज़ुर रहमान चंद के दरबार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई, वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद का भी दरबार का दौरा, वासा इमरजेंसी कैंप कायम करने की हिदायत।